जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद वासियों को नवरात्रि और आगामी विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जनपद मुरादाबाद के रामलीला मंचन स्थानों पर साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जनपद मुरादाबाद के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में जहां पर नवरात्रों के अवसर पर भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, ऐसे में प्रकाश की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम बने रहें, जिसको लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद वासियों से पुलिस प्रशासन को सहयोग देने की अपील भी की है। दरअसल सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपने कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद में नवरात्र और विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। नगर निगम जलकल विभाग के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। वहीं शहर के और जनपद के सभी मंदिरों और रामलीला स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रकाश की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। के साथ ही नवरात्र के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बधाई दूंगा और परम पिता परमेश्वर की सभी लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं। और जहाँ तक तैयारियों की बात है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देर रात में इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर के सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। जो भी मंदिर है उसके आसपास साफ सफाई की समुचित व्यवस्था है, आबाद विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, जहाँ पे हमारी रामलीला हो रही है विभिन्न स्थानों पर वहाँ पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, चूँकि देर शाम महिलाएं और बच्चे अपने घरों को वापस भी जाते हैं तो कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, इस तरह की समुचित व्यवस्था की। गौरतलब है कि शुभकामनाएं संदेश देने के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी से मिलजुल कर इस पर्व को मनाने की अपील की है।